कटेगा तो हमें कैप्चर हो जाएगा। शुरुआती वकील साहब आप कर देना, क्या मामला है उसके बाद शुरुआत में। हाँ मैं बोलूँ, जब तो आ जाओ बोले। हाँ जी बोलिए। मामला एक्चुअली संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। वर्ष 2010 से चलने वाली संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब लोगों को काफ़ी लंबे समय से भुगतान नहीं मिल रहा है तो इन लोगों द्वारा बार बार परेशान हो रही है, और ये परेशान हो रहे थे, इनको ये मालूम पड़ा कि इसकी एसओजी में जाँच चल रही है। एसओजी में जाँच चल रही है पर एसओजी द्वारा न तो इनको कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, एसओजी द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंपनी के प्रधान विक्रम सिंह और किशन सिंह हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में सोसाइटी के संपूर्ण राजस्थान के जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एजेंट है, निवेशक है और कर्मचारी है, बहुत भयंकर रूप से प्रताड़ित होते जा रहे हैं। निवेशकों को ये नज़र नहीं आ रहा है कि हमने पैसा सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है, वो जो एजेंट और कर्मचारी है उन पे झूठे मुकदमे दायर करने पे आमादा है। इस अवस्था में ये स्थिति है कि सोसाइटी में काम करने वाले जो लोग 18 से 35 और 40 वर्ष के हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे होंगे, 120B के अंतर्गत ये मुजरिम साबित होंगे और इनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट तक पे फर्क पड़ेगा और भविष्य में इनके ऊपर कई प्रकार के चार्जेस होंगे और कोर्टों के धक्के काटते रहेंगे। आज ये इनके भुखमरी की स्थिति आ गई है और एक स्थिति में ये इतने सक्षम नहीं है कि पुलिस थाने और कोर्टों के चक्कर काट सके। इस संदर्भ में आज करीब 100 से 150 लोग आए जिन्होंने आईजी साहब को, संभागीय आयुक्त को और एसओजी उदयपुर के अंदर रिपोर्ट दी है और इन्होंने ये मांग की है कि इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करें कि वास्तविकता में चल क्या रहा है, और साथ ही जो संबंधित विभाग है वो एक आदेश पारित करे कि इस मामले में झूठे मुकदमों के आधार पर एजेंटों कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाए और कुल मिलाकर हमें इन मामलों से बाहर रखा जाए। और प्लस सभी निवेशकों की तरफ से, सभी एजेंट की तरफ से और सभी कर्मचारियों की तरफ से सरकार से मेरी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि जिस तरह ICICI बैंक, PNB और SBI के अंदर भी लाखों और करोड़ों के घोटाले हुए हैं जिसके अंदर सरकार ने अपनी सहभागिता दी है क्या, और वो बैंकें बंद नहीं हुई है, उसमें उन्होंने अपनी कमेटी बैठाकर उन बैंकों को RBI के नॉर्म्स के अनुसार उनको संचालित किया है, उसी प्रकार इन सोसाइटियों के ऊपर आज ये स्थिति है कि सरकार अपनी कमेटी गठित करे और कमेटी गठित करके जो इनकी संपत्तियां हैं कम से कम मूल राशि भी अगर चाहे तो सरकार एक कमेटी गठित करके उसके ऊपर अपने IAS ऑफिसरों को लगा के इन लोगों को पेमेंट का भुगतान करवा सकती है। अगर अतिशीघ्र नहीं करवाया जाता है तो इनके ऊपर बहुत भारी संकट आएगी, आत्महत्या तक करने को मजबूर होंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पटरियां उखाड़ना नहीं चाहते हैं, ये बसें जलाना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि शांति के साथ इनको न्याय मिले और उसी न्याय की उम्मीद में ये दर बदर भटक रहे हैं और अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह की परेशानी एक एजेंट को आ रही है, जो निवेशक है वो इनसे क्या प्रश्न करते हैं और ये किस तरह का जवाब दे पा रहे और नहीं दे पा रहे, तो क्या कारण है? पहले तो ऐसा था कि किसी भी निवेशक के पास में कोई भी आता था जिसका उसने निवेश किया है वो आके पूछता था, तो आगे से यही सूचना थी मतलब विक्रम सिंह जी और उनके द्वारा कि SOG की जांच चल रही है, हमारे अकाउंट सीज हैं और अतिशीघ्र 15 दिन में जाँच क्लियर हो जाएगी और आपको हम पेमेंट करवा देंगे। ये मसला आज 15 दिन के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना होने आ गया, तब तक टल्ले देना पॉसिबल नहीं था। अब इतनी ही न्यूज़ थी उनके पास कि 15 दिन 20 दिन में अकाउंट रिलीज हो जाएंगे और आपको पेमेंट कर देंगे। जब मैच्योरिटी क्लियर हो गई और ऊपर वालों ने अब हाथ उठा लिए, किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से उनसे बात हो नहीं रही है, जब बात नहीं हो रही है तो अब इनको अब जवाब देना भारी पड़ गया। तुमने ही बोला था कि अब पेमेंट आ जाएगा, जांच चल रही है, अब क्या हुआ जांच का? इसी के लिए हम SOG ऑफिस यहाँ पे आए हैं, जयपुर में भी जाने वाले हैं और मीडिया के माध्यम से भी ये कहने वाले हैं कि कितनी ही बैंकों को, जैसे कि वकील साहब ने बताया कि टेक ओवर किया है गवर्नमेंट में, तो हम भी ये चाहते हैं कि अगर चाहे तो संजीवनी को भी एक टेक ओवर करके और हमको एक आश्वासन दे दें कि हम इतने समय के बाद भी आपका मूल आ जाए तो भी चलेगा, हम उस और किसी चीज़ के लाभ में और उसके चक्कर में नहीं है, पर एक बार गवर्नमेंट टेक ओवर करे उसको और सिस्टमेटिकली राजनीति ना करते हुए इसका कोई अच्छा रास्ता निकले ताकि हम सब लोग को थोड़ी राहत मिले। एक प्रश्न मेरा ये भी बनता है कि जब कहीं अनियमितताएं होती है जिसको हम साधारण भाषा में घोटाला कहते हैं, होता है तो उसकी शुरुआती दौर में भी कहीं ना कहीं पता लगना शुरू लग जाता है कि भाई कहीं ना कहीं अनियमितताएं होना शुरू हो गया। आखिरी मूवमेंट पे, जो आखिरी मूवमेंट होता है जब जो घोटाले करने वाले होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, स्थान परिवर्तन कर देते हैं, उसके बाद जो एजेंट होते हैं उनके कंधों पे सारी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त आपने पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया कि आपको पता लग चुका था अब ये कदम उठाना पड़ रहा है? इन्होंने इंस्टेंटली बंद किया, ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ मैच्योरिटी आ रही है बंद करिए धीरे से फिर ऐसा। आज जैसे 1 तारीख को मिल रही थी, 2 तारीख को उन्होंने डायरेक्ट ही बंद किया। बंद करने पे जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि SOG की जांच चाहिए, चूंकि आदर्श में पहले ही चल रही थी जांच,
तो अपने पास भी ये सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जांच चल रही है, तो जांच के लिए अपने पास भी आए हैं, तो अभी अपने अकाउंट फ्रीज रहेंगे, तो आप उनको बोल दीजिए कि अभी जैसे ये 10-15 दिन का मैटर है, होने के बाद में रिलीज कर देंगे, और तब तक आपकी मैच्योरिटी का सेविंग में पड़ा रहेगा, उतना आपको इंटरेस्ट मिलने ही वाला है, तो कोई तकलीफ नहीं है यूं। और इन्होंने ये 15 दिन हम लोग आराम से रहेंगे, 15 दिन के बाद उन्होंने बोला कि जांच में पूरी ऊपर लेवल पे सब कुछ क्लियर मिल गया है, अब थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे उनको यूं लगा है कि जांच करनी चाहिए, यूं एजेंटों की भी जांच हो रही है, एम्प्लॉय के खातों को भी खंगाला जा रहा, यूं करके उन्होंने 15-20 दिन और खींचे। अब इसी चक्कर में अब हमको ये पता चला कि एसओजी कभी स्विच करती नहीं अकाउंट, इसी तरह का इस जो प्रपोजल उन्होंने हमको बताया, प्रशासन का ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं लगा। अब हमारे पास में कोई चारा नहीं था, हम बार बार उनको यही कह रहे थे कि आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा बता दिया कि ये जांच चल रही है, ये बिंदुओं का जांच हो रही है। अब वो जांच के बिंदु भी कहीं चले गए, ऊपर से लेकर के सिर्फ ब्रांच का पिछले 3 महीनों से किराया कैसे चला रहे हैं, सिर्फ ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, वो जानते हैं उन लोगों की क्या बीत रही है। एजेंट लोग हैं वो भी जाके उनको मैनेजरों को बात करते हैं, वो बोलते हैं हम बिना सैलरी के बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि विक्रम सिंह इंद्रोही को कोई नहीं जानता है, जानता किसको है, आप और हमको, तो हम लोगों को जानता है, आप लोगों से हमारा रिश्ता खराब नहीं हो, इसलिए उन्होंने पूरी वस्तुति हमको बताई, समय समय पे साथ दिया, समय समय पे उन्होंने कॉल भी किए, कॉन्फ्रेंस पे लेके बात की, पूरा दिन सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक ऑफिस खुले रहते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांच है तो ब्रांच की जिम्मेदारी से हो रहा है, मार्केट है तो जो मार्केटिंग का मैनेजर है वो उन लोगों को डील कर रहा है, नीचे की तबके की जो सीढ़ी है वहां से हमको 100% हर चीज को पारदर्शिता के साथ में अब बताया जा रहा है, पर आगे से हमको कोई प्रकार की जानकारी नहीं है, जोनल या फिर स्टेट लेवल के कोई लोग बात नहीं कर रहे, कोई है ही नहीं, ऐसा समझ ले अंडरग्राउंड हो चुके हैं कम्प्लीटली, कोई हम लोगों से बात करने की। जैसा ही आपने जानकारी दी तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये घोटाला हो चुका है और उन्होंने आपके साथ में धोखा किया है, तो आपने उनसे बात करने का प्रयास क्यों नहीं किया, जब वो आपसे फोन पे बात कर रहे हैं, जब वो ये बता रहे हैं कि हम बिल्कुल सही है, जांच हमारी एसओजी में चल रही है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है, पहले बता रहे थे, आजकल तो बंद कर दिया, सबसे पहले जो पहले के 15 दिन में था तब हम जैसे मैनेजर के पास गए या फिर हमारे सेल्स मैनेजर से बात करी या हमने एजेंट से बात करी, उन्होंने जैसे ही आगे बात करी तो वहां से 15 दिन में ये बताया गया था कि 15 दिन में ये सारी जांचें चल रही हैं। अचानक से 15 दिन बाद उन्होंने अभी हमारे जांच को हमको कोऑपरेट करने की जरूरत है, हम मोबाइल नहीं चला सकते हैं, इस टाइप के आश्वासन आए, व्हाट्सएप पे उनकी बातें होने लगी, फिर उन्होंने धीरे से कम्प्लीटली व्हाट्सएप वगैरह सब जगह से बंद कर चुके हैं, वो कहाँ है वो भी नहीं पता है, इसीलिए हम आईजी साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको पकड़े तो सही, हमारे पास नहीं है, और अगर प्रशासन या न्याय विभाग या कानून व्यवस्था के पास में भी अगर है तो हम लोग निश्चिंत हैं, पर वो स्वतंत्र इसी तरह से घूम रहे थे, कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जा चुके हैं हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले करके चले। मेरा आपसे एक प्रश्न और बनता है कि आपने एक साथ मिलके उन अधिकारी जो आपके संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव के जो मालिक थे उन पे केस किया है या अलग अलग केस किया है? नहीं, केस किया है, इसलिए इस मामले में एसओजी जांच करना चाहूंगा क्या, क्योंकि प्रत्येक साहब ने हमने राय ली थी, प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि किसी पे एफआईआर कर देने से हमारा पैसा रिटर्न नहीं आना, एफआईआर करने से अपराध की सजा है, उनको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया, हर व्यक्ति ये चाहता है कि एसओजी अगर अपनी जांच कर रही है, एसओजी अपनी रिपोर्ट क्लियर करे, अगर एसओजी अपनी रिपोर्ट क्लियर करती है उसके आधार पर ये डिसीजन ले पाएंगे कि अगर इनको इनका पैसा मिल रहा है, क्योंकि इनको मालूम है अगर जगह जगह एफआईआर दर्ज हो गई तो वो लोग सिर्फ कोर्टों के चक्कर काटते रहेंगे, पब्लिक का पैसा नहीं मिल पाएगा, इस कारण से ये सब लोग अभी रुके हुए हैं। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार और सहकारिता रजिस्ट्रार कार्यालय तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के घोटाले होते हैं तो अगर इनकी कोई गलती पकड़ में आती हो एक या दो जगह, और सहकारी सोसाइटियां जो है किसी का स्वामित्व नहीं है, किसी का मालिकाना हक नहीं है, अगर सरकार चाहे इस मामले में कमेटी बैठाकर बाकायदा उनका संचालक मंडल बदलकर इन्हीं के सदस्यों में एक नया संचालक मंडल बना सकती है, उस सोसाइटी को ग्राउंड लेवल पर वापस स्टार्ट कर सकती है, और जहां उनके गबन जैसी मामले नजर आते हैं उनको साइड वे में रख के पब्लिक को पेमेंट रिफंड कराने के ऑप्शन इसमें दिए जा सकते हैं। अगर सहकारिता अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है तो अमेंडमेंट करके ऐसे प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में हर चीज के लिए एक रास्ता है, और वही रास्ता इन लोगों के लिए बनता है, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के लिए हो, नवजीवन के लिए हो, या संजीवनी के लिए हो, सरकार को डायरेक्ट उनका संचालक मंडल चेंज करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करना, और आज की तारीख में इतना पैसा और
इतनी संपत्तियां इन कंपनियों के पास है कि एक बार व्यक्ति को रिलीफ दिलाने के लिए उतना पैसा रिफंड कराया जा सकता है। जब कई बैंकों के घोटाले होते हैं तो 70,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ जब बैंकों को सपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ सोसाइटियों को क्यों नहीं, क्योंकि सहकारिता का जो सपना है वो महात्मा गांधी के समय का चला हुआ सपना आ रहा है क्या, और ये सहकारिता के सपने कुल मिला के खत्म करने की कंडीशन आती जा रही है। तो इस मामले में आप यही गुजारिश है, सरकार अगर तुरंत संज्ञान नहीं लेती है, इस मामले में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो बहुत बड़ा सुनामी इसमें आना है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम और ये कहना चाह रहे हैं कि यदि सरकार ये कहती है कि ये आपने किया या आपने ये रजिस्ट्रेशन सरकार ने दिया, इसके बाद में नहीं 11 साल से चल रही थी, आज एक पाउच भी खाते हैं तो उस पर वैधानिक चेतावनी आती है, म्यूचुअल फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर भी वैधानिक चेतावनी आती है कि आप ये रिस्क आपकी स्वयं की रहेगी, ये मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर इनको ऐसी डर है या ऐसा कुछ है तो वो एक बैनर एक बोर्ड और लगा देते कि सरकारी उपक्रम नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से उसमें निवेश करें। जब ये आती है कंपनी अच्छा मोटा रकम ले करके इनको रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये इस तरीके से लोभावनी स्कीमें डालते हैं और स्कीम चलाते हैं, और जब इतना बड़ा घोटाला होने का इंतजार करने के बाद जब घोटाला हो जाता है और इसके बाद में ये कंपनियां आराम से गायब हो जाती है ना, आज एक छोटे से आदमी को एक छोटा सा क्राइम करे पुलिस तुरंत पकड़ लेती है, इतने बड़े क्राइम के बाद में आदमी आराम से बाहर घूम रहा है और सरकार ये बोल रही है कि ये पैसा दिलाने की कोई गारंटी नहीं, तो दे फर्स्ट से इस तरह की रजिस्ट्रेशन करवाइए।